गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ भूमिका और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है हर किसी के लिए। मतलब बॉयज़ भी ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। बॉयज़ को भी ये दिक्कत होती है, लड़कियों को भी दिक्कत होती है कि अंडर आर्म्स ब्लैक हो जाते हैं, फिर नेक ब्लैक हो जाती है। अभी तो समर था, 2 मंथ पहले समर चालू था, तो टैनिंग, बहुत लड़कियों को टैनिंग हुई है, लड़कों को भी टैनिंग हुई है। तो इस टैनिंग को होम रेमेडी से कैसे रिमूव करें या फिर ब्लैक पार्ट्स को कैसे वाइटन कर दें, ब्राइटन कर दें, वो आज हम लोग रेमेडी देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें करना है थ्री स्टेप। तो ये 3 स्टेप होने वाले हैं बहुत ही इजी। आपके घर में ये सामान रहेगा ही रहेगा, वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में हमें चाहिए आलू। आलू को ऐसे कट कर दें, अंडर आर्म से ना कुछ ब्लैक हो चुके हैं थोड़ा, तो उसके ऊपर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। तो ये ना आपको ऐसे निचोड़ना है, टूट गया ये तो, ठीक है, ये ऐसे निचोड़ना है और इसे घिसना है। नज़र मारते हैं अंडर आर्म्स में, कोई भी लड़की रहे, अगर जल्दी में है, कहीं पार्टी ये सब में जाना है और वैक्सिंग करने के लिए टाइम नहीं है, तो रेजर लगा ही लेती है। मैं भी लगाती हूँ, तो उससे ना ब्लैक हो जाता है। तो ये रेमेडी आप हम लोग करेंगे ना तो रिजल्ट मिलता है, मेरे को भी मिलता है, इसलिए मैं करती हूँ। मैं हफ्ते में तो नहीं करती हूँ, पर मैं मंथ में एक बार ज़रूर करती हूँ। ये देख सकते हो आप, दिख रहा है कि नहीं, पूरा ब्लैक ब्लैक निकल चुका है एक ही स्टेप में। तो सेकंड स्टेप के लिए हमें चाहिए ये पैक। ये पैक में जो है वो हल्दी है, बेसन डला हुआ है और कॉफ़ी पाउडर है। आपको सबको पता ही रहेगा कि हल्दी और बेसन क्या काम करता है, स्किन ब्राइटनिंग करने के लिए, टैन रिमूव करने के लिए यूज़फुल हो रहता है। और जो कॉफ़ी है वो अपना स्किन का जो डेड स्किन है वो निकाल देता है। तो इस सबको, ये 3 चीज़ों को मिक्स करके मैंने ये पैक बनाया है। तो अभी हम लोग ये लगाएंगे। यहाँ पे ब्रश लिया है, अभी मैं इसको लगाऊंगी। ये पैक जो है ना, आप रात में सोते वक्त भी लगा के सो सकते हैं। इसको हमें यार 10 मिनट्स रखना रहता है, पर आप सोते वक्त थोड़ा बुक रीडिंग करते हो या फिर फ़ोन देखते हो तो आप लगा के थोड़ा देख सकते हो और फिर मुंह धो के सो सकते हो। अभी मैं इसको 10 मिनट्स रखूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि रिजल्ट कैसा आया है, और आप फिर डिसाइड करना कि आपको ये रेमेडी अच्छी लगी कि नहीं लगी। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो अभी मैंने ये रिमूव कर लिया है और आप देख सकते हैं मेरा 70% तो रिमूव हो चुका है। और अगर मैं ये रेमेडी हफ्ते में एक बार करूँगी तो मेरा 100% रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद हम लगाएंगे एलोवेरा जेल। मेरे पास एलोवेरा नहीं है तो मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। आपके पास अगर पौधा रहेगा तो आप नेचुरल एलोवेरा जेल निकाल के लगाओ, वो बहुत अच्छा रहता है, इसमें केमिकल मिक्स रहता है। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट। आप मेरा फर्स्ट क्लिप देखना और अभी का देखना, आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और रेमेडी अच्छी लगी हो तो सबको शेयर करना, और ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना कि आपका रिजल्ट कैसा आया था। और ऐसे ही बने रहना मेरे साथ। बाय बाय।